मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्यारसपुर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पशु अस्पताल ग्यारसपुर में विकास खंड स्तरीय गोपाल पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विकास खंड स्तर पर किसानों ने अपनी देसी नस्ल की गाय एवं भैंसों को प्रतियोगिता में सम्मिलित किया। इस प्रतियोगिता में विजेता को इनाम के रूप में प्रथम आने पर 10,000, द्वितीय आने पर 7,500 एवं तृतीय आने पर 5,000 की राशि प्रतियोगिता विजेता पशुपालकों को दी गई। प्रथम स्थान पर मुर्रा भैंस के मालिक लखन सिंह यादव रहे। द्वितीय मुर्रा भैंस पुरस्कार महेंद्र सिंह को गया। गायों में प्रथम पुरस्कार विजेता लोकम सिंह, बलदेव सिंह। द्वितीय पुरस्कार विजेता दिनेश यादव रहे। इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देते हुए जनपद के CEO KK ओझा ने कहा, इस प्रतियोगिता का प्रचार प्रसार 15 दिन और 1 महीने पहले पशु विभाग को करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक पशुधन मालिक इस प्रतियोगिता में भाग ले सके। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। 6.6 लीटर यानी कि 7 लीटर 600 ग्राम मेरे प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। इनके स्वागत के लिए मैं CEO साहब से कहूँगा कि वो उनका स्वागत करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।